कर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, मंगलसूत्र का जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र और उस पर प्रधानमंत्री का ये बयान सामने आया था, जिस पर अशोक जी का ये जो बयान सामने आया है इस पर मयंक जी आपका जवाब। शांतनु जी, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं इनके साथ समस्या यही, इनके और इनके नेताओं में कि जितना समय ये लोग मूवी के डायलॉग याद करने में देते हैं, अगर उतना जनता के बीच रहते तो आज शायद ये स्थिति ना होती कि 2014 से लेके 2014 हो गया, 2017 हो गया, 2022 हो गया, 2019 हो गया, लगातार ये पार्टी चुनाव हारती जा रही है। इनके नेताओं को इनको सिर्फ जो है अननेसेसरी बातें करना, और जितना समय ये लोग इन सब चीजों में देते हैं अगर उतना जनता के बीच रहते, जनता का दुखदर्द समझते तो शायद ये स्थिति ना होती। और किसी के व्यक्तिगत हमला ये समाजवादी पार्टी को शोभा नहीं देता, हालांकि इनके ये बेसिक नेचर में है कि व्यक्तिगत हमला करना। अब इसको क्या कहा जाए, इसको बिल्कुल बयानबाजी तो निश्चित तौर पर देखिए शुरू हो ही गई है। रोहन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रोहन जी, आप ये बताइए, आप देखिए बयानबाजी लगातार चल रही है, प्रधानमंत्री का बयान सामने आया, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर बयान सामने आया, उस पर कांग्रेस पार्टी का भी आरोप, लेकिन जिस तरह से हमने देखा एयरफोर्स पर हमला हुआ है उस पर कांग्रेस पार्टी का बयान सामने आया है, क्या ये कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया है कांग्रेस पार्टी के लिए? क्योंकि एयरफोर्स के जवानों पर हमला हुआ, उसमें एक जवान शहीद हो गया, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी उनका ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बयानबाजी है, पॉलिटिकल स्टंट है, तो क्या इससे नुकसान कांग्रेस पार्टी का होगा? रोहन जी, ऑडियो म्यूट कर दीजिए। हाँ जी जी जी, बोलिए रोहन जी। रोहन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मैं आता हूं आपके पास, आपका ऑडियो ठीक करवाता हूं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल बयानबाजी है, अशोक जी आपका रुख कर लेता हूं। अशोक जी, ये इंडिया गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि लगातार इसी तरह के बयानबाजी, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपने देखा होगा एयरफोर्स का जिस तरह से हमला हुआ, आतंकवादी हमला, उसमें एक जवान शहीद हो गया, और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी का इस तरह के बयानबाजी सामने आना, और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने पीओके को लेकर बयान दिया है और कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, एटम बम उनके पास भी है, पता नहीं कि बता रहे थे कि या फिर पाकिस्तान को याद दिला रहे थे, लेकिन ये क्या इन बयानबाजी से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा आपको लगता है? देखिए, किसी भी नेता का नहीं होना चाहिए ये बयानबाजी, ठीक नहीं है। दूसरी बात, आपने जो सवाल किए, आज ये बताइए शांतनु जी, अगर बयानबाजियों की बात कर लिया जाए तो अगर इस देश में सबसे बड़ा बयानवीर कोई है तो माननीय मोदी जी हैं, उनसे बड़ा बयानबाजी कौन कर सकता है? उन्होंने क्या क्या बोला कि देश की संपत्ति को एक धर्म विशेष को दे देंगे, फलाने फलाने, मतलब पूरा, मतलब वैसी, मतलब हम तो नहीं लगता हमें कि इस तरह की ओछी हरकत या ओछी भाषा का इस्तेमाल कोई राष्ट्राध्यक्ष जैसा व्यक्ति कर सकता, नहीं करना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कहा कि दिवाली में लाइट नहीं आती है, ईद में लाइट आती है, आपको याद होगा वो बयान। तो मानिए हमारे उसमें मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी ने पूरा विद्युत घरों का, उन्होंने विद्युत वितरण का जो था सभी पूरा उन्होंने दिखाया कि देखिए ये दिवाली में लाइट है और ये ईद में लाइट है। इस तरह की बयानबाजियां अगर देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी नंबर वन पे हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए हिंदुस्तान में, दूसरा जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है आज के डेट में शांतनु जी, वो मुद्दा है कोविड वैक्सीन का। जिस तरह से कोविड वैक्सीन को जनता कहती है ये कोरोना वैक्सीन नहीं है, ये किलिंग वैक्सीन बन चुकी है, ये जनता कह रही है इस बात को, क्यों किलिंग वैक्सीन कह रही सर, जनता का सुनिए अशोक जी सुन लीजिए सर, देखिए बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा है ये, जनता क्या कह रही है जनता सोचती है, लेकिन फैक्ट पे बात करनी चाहिए ना सर। कोविशील्ड लेके सभी ने लगभग लगवाई है और उसका एक बहुत ही रेयर इफेक्ट, मैं जो डॉक्टर्स वो बोल रहे हैं मैं उसका उस पर आपको बताता हूँ, बहुत ही रेयर इफेक्ट होता है इसमें इसका। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ऐसे देखे गए हैं, ना सिर्फ आपने देखा तमाम नेताओं ने भी कोविशील्ड वैक्सीन ली है, उसको क्या मुद्दा इस तरह से बनाया जाना चाहिए? अशोक जी देखिए, देखिए शांतनु जी मैं आता हूँ, इसको लेकर के मैं बता रहा हूँ शांतनु जी, ये बताइए क्या एस्ट्राजेनिका कंपनी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है? एस्ट्राजेनिका कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम के स्वीकार किया है, उन्होंने स्वीकार किया है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि देखिए 6 हफ्ते तक कहा जाता है कि इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं
पड़ता है, लेकिन मैं इस पर आऊंगा। उससे पहले खबर जो है वो सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों को बताते हैं, जहां पर